Hello friends, welcome to my YouTube channel New Tech Sajira Lam. Please like and subscribe my YouTube channel and like Facebook page. आज के वीडियो में बिटकॉइन से संबंधित ताजा खबर के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ताजा खबर। क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस को बहरीन में स्वीकृति मिली, दुनिया भर में विनियमित केंद्रीकृत बनने की योजना। बाइनेंस को देश में एक क्रिप्टो क्यूरेंसी सेवा प्रदाता संचालित करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। क्रिप्टो एक्सचेंज विस्तृत रूप से बिनेंस की पूरी तरह से विनियमित केंद्रीकृत क्रिप्टो क्यूरेंसी एक्सचेंज बनने की योजना का हिस्सा है। अगला खबर, इथेरियम ने 4 महीनों में 1.2 मिलियन ETH जलाए, ईथर में $5 बिलियन के करीब नष्ट हो गया। 2021 के अंत तक 3 दिन शेष हैं। इथेरियम नेटवर्क और इसके मूल टोकन ईथर का एक अभूतपूर्व वर्ष रहा है, क्योंकि 12 महीनों में ईथर के मूल्य में 450% से अधिक की वृद्धि हुई है। 145 दिन पहले 5 अगस्त को इथेरियम नेटवर्क ने लंदन हार्ड फोर्क को लागू किया था और उस दिन से लगभग $5 बिलियन मूल्य के 1.283226 ईथर जल चुके हैं। अगला खबर, सर्कुलेशन में टोकन बिटकॉइन आधा मिलियन BTC के करीब है। बिटकॉइन पेग्ड टोकन वैल्यू $21 बिलियन से अधिक है। 28 दिसंबर को दर्ज आंकड़ों के अनुसार कई ब्लॉकचेन में लगभग 434265.43 बिटकॉइन पेग्ड या रैप्ड बिटकॉइन टोकन हैं, जिनकी कीमत $21.3 बिलियन से अधिक है। 10 अलग अलग बिटकॉइन पेग्ड प्रोजेक्ट आज मौजूद हैं और प्रोजेक्ट रैप्ड बिटकॉइन प्रचलन में सभी टोकन बिटकॉइन के 59.66% पर हावी है। अगला खबर, व्यक्तियों के बीच क्रिप्टो संबंधित लेनदेन पर डेटा एकत्र करने के लिए बैंक ऑफ रूस, सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया CBR ने निजी व्यक्तियों के बीच कुछ धन हस्तांतरण से संबंधित वाणिज्यिक बैंकों से जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी व्यापार करने वाले ग्राहक भी शामिल हैं। यह उपाय ऑनलाइन क्रिप्टो एक्सचेंजर्स को प्रभावित करने की संभावना है, जिस पर नियामक अवैध संचालन करने का आरोप लगाता है। अगला खबर, HP ब्रांडेड सर्वरों को $110,000 मूल्य क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए हाईजैक किया गया। रिपोर्टों के अनुसार हैकर्स ने हाल ही में HP ब्रांडेड सर्वरों के एक समूह को अपने नियंत्रण में ले लिया और उनका उपयोग रैप्टोरियम नामक एक क्रिप्टोकरेंसी को दूरस्थ रूप से करने के लिए किया। इसके परिणामस्वरूप HP मशीनों का समझौता क्लस्टर क्रिप्टोकरेंसी के कुल खनन पूल में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया, जिससे हमलावरों को $110,000 मूल्य में रेक करने की इजाजत मिली। कहा जाता है कि सिक्कों का खनन 9 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच किया गया था। अगला खबर, क्रिप्टो स्कैमर 500 मिलियन बहत के साथ भागने के बाद बैंकॉक में गिरफ्तार। थाईलैंड के बैंकॉक में कथित तौर पर क्रिप्टो क्यूरेंसी निवेश घोटाले के पीछे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने उच्च रिटर्न का वादा करके लोगों को अपनी धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो योजना में निवेश करने का लालच दिया। निवेशकों को बताया कि वे केवल 200 दिनों में निवेश करके 400% रिटर्न कमा सकते हैं। इसी के साथ आज का ताज़ा खबर समाप्त हुआ। ऐसी खबर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले खबर में, खुदा हाफिज़।